तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन की एक और तवाना आवाज़ खामोश। फ़लस्तीनी मज़हमती तंजीम हमास के सरबरा इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए गए थे। हमले में इस्माइल हनिया का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस्माइल हनिया को उनके क़याम गह पर निशाना बनाया गया। कत्ल की तहकीकात जारी हैं, नतायज जल्द सामने लाएंगे। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। शहादत का बदला लेने का ऐलान। हमास के सीनियर तर्जमान सभी अबू जहरी का कहना है, इस्माइल हनिया की शहादत से इसराइल मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। अब मकबूजा बैतुल मकसद मकदस की आज़ादी के लिए खुली जंग छिड़ेगी। हमास सरबराह की शहादत पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर का हनिया के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। आयतुल्ला खामनाई ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम की है। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने कहा, तेहरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, हनिया की शहादत तेहरान फलस्तीन ताल्लुकात को मजबूत करेगी। ईरान का मुल्क में 3 रोज़ा शोक का भी ऐलान। रात 2 बजे तेहरान के कल्ब में मिसाइल फायर किया गया। इसराइली मीडिया का कहना है, मिसाइल वहां फायर किया गया जहां इस्माइल हनिया अपने मुहाफिज के साथ मौजूद थे। इसराइली फौज ने कोई रद्द अमल देने से इनकार कर दिया। अमेरिका एक बार फिर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि इसराइल पर हमला हुआ तो इसका दिफा करेंगे। हनिया के कत्ल के बाद इराकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए। अमरीका कशीदगी को कम करने के लिए कोशा है। तर्जमान व्हाइट हाउस का भी फौरी तबसरे से गुरेज। इस्माइल हनिया की शहादत पर खित्ते के मज़ाहमती ग्रुपों का शदीद रद्दअमल। हिजबुल्ला ने कहा, हनिया के कत्ल से इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत शिद्दत इख्तियार करेगी। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के तर्जमान महरुल तायर ने कहा, दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया है। इसराइली हुकूमत इस कत्ल के गुनाह पर पछताएगी। इस्लामी जहाद ने कहा, इसराइली इकदाम अहदाफ को हासिल करने में नाकामी का एतराफ़ है। यमन के हौसियों ने हनिया के कत्ल का इसराइल की खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। रामला और नाबलस में आम हड़ताल, बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का ऐलान। तुर्की की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। तुर्क वजारत खारजा ने कहा, हनिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। नायब रूसी वजीर खारजा ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल का वाकया नाकाबिल कबूल है। चीन ने कहा, वाकया मजीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। तसादो बढ़ने से बचने के लिए जल्द अज जल्द जंगबंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भी हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील। कतर की भी मसम्मत। इस्माइल हनिया एक इंतहाई साबित कदम, निडर और बेबाक रहनुमा थे। इस्माइल हनिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल हुए। पहले इंतफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हनिया को इसराइल ने 6 माह कैद में रखा। 1989 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में इस्माइल हनिया को लेबनान बदर किया गया। ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हनिया की गजा वापसी हुई। 1997 में हमास के बानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बने। 2006 के इलेक्शन के बाद फलस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर आज़म बने। 2017 में खालिद मिशाल की जगह हमास के सियासी सरबरा मुकर्रर हुए। 2023 से कतर में रिहाइश पजीर थे। गजा जंग में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते शहीद हो चुके। इस्माइल हनिया गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इसराइली फौज का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फजाई हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जहां बहक, 74 जख्मी। हमले में हिजबुल्ला के सीनियर रहनुमा फवाद शुक्र मारे गए। इसराइली फौज का दावा, फवाद शुक्र हाज मोहसिन के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमेरिका ने $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। इसराइली फौज का कहना है, हिजबुल्ला के साथ जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस ने इसराइल हिजबुल्ला जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। प
पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। इस्माइल हनिया के अहले खाना और फलस्तीनी आवाम से इजहार ताज़ियत। खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तश्वीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर होने वाले वाक़े पर शदीद सदमा पहुँचा। पाकिस्तान मावराए अदालत कत्ल समेत दहशत गर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। इसराइली ताज़ा कार्रवाई आदम इस्तेहकाम का शिकार। खित्ते में खतरनाक इजाफा है। ऐसी कार्रवाई आम की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती है। इसराइल इंसानियत दुश्मनी कर रहा है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। उस ताकत की वजह से जो मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी है, ये इसराइल की ताकत है। अगर अभी दहशतगर्द इसराइल और सालिम का हाथ नहीं काटा गया तो ये सबकी गर्दनों पर आएगा, वरना ये जो लावा पक रहा है, पूरी दुनिया के पास अमीर लोग फलस्तीनियों के साथ हैं, इसलिए सबको होश के नाखून लेने चाहिए। इसराइल की दहशतगर्दी को अमेरिका और मगरिब की सरपरस्ती हासिल है। इसराइल का हाथ ना काटा गया तो ये सबकी गर्दनों पर आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इस्लामी मुल्कों में लावा पक रहा, पूरी दुनिया फलस्तीनियों के साथ है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अपना किरदार अदा करे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कराची में आज का धरना मुअख्खर। शाम 5 बजे एमए जनाह रोड पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 6 रोज भी जारी। हुकूमत के साथ मुजाकरात का अहम दौर आज फिर होगा। जमात इस्लामी ने मुजाकराती कमेटी से बढ़ाकर 6 रुकनी कर दी। इस्माइल हनिया की शहादत एक संगीन वाकया है, यह अब इलाकाई मसला नहीं रहेगा। इसराइल ने हमला करके ईरान को एक पैगाम देने की कोशिश की। सेनेटर शहरी रहमान की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में खसूसी गुफ्तगू। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, इस्माइल हनिया पर हमला ईरान की सिक्योरिटी की नाकामी है। वो ईरान के सरकारी मेहमान थे, ईरान की तरफ से अब रिएक्शन जरूर आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इस्माइल हनिया पर हमला आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। हनिया और उनके खानदान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल से वस्त एशिया में कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम वसाइल बुरोएकार लाए जाएंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस वाले इलाकों में हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। 6 अराकीन ने बिल की हिमायत, 4 ने मुखालफत की। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन इजलास में शरीक ना हुआ। इजलास के दौरान पीटीआई के अली मोहम्मद खान और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ में तलकलामी हुई। अली मोहम्मद खान का आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू पर एतराज़, कहा, यह प्राइवेट मेंबर बिल है, आप इनकी वकालत नहीं कर सकते। आजम नजीर तारड़ बोले, अगर मैं कन्विंस्ड हूँ तो वकालत करूँगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। हमारा काम उनको जहाँ पे ज़रूरत है मदद की, हमने वो करनी है, चाहे वो कोई भी सूबा हो। सिक्योरिटी के लिहाज से तो हम 100% इंशाल्लाह ताला उनको असिस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। बानी पीटीआई, अल्लाह जाने किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे नहीं। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा कोई इशू नहीं जिस पर परेशानी की ज़रूरत हो। मोहसिन नकवी की आईपीपी से मुतालिक तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, कहा, आईपीपी से मुतालिक एमकेएम के तहफ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाए हैं। बोले, पारा चनार और बलूचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलों पर सूबों से राबते में हूँ, सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुरम वाकयात पर वज़ीर दाखला ने दोनों ग्रुपों के वफ़ को मुलाकात के लिए बुला लिया। वफ़ाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी से MWM के वफ़ की मुलाकात। कुरम वाकयात पर सख्त तशवीश का इजहार। चेयरमैन FPR मलिक अहमद ज़ुबैर टवाना का कबल अस वक्त रिटायरमेंट का फैसला। ज़रा के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टवाना ने ओहदे से सुबकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दे दिया। चेयरमैन FPR ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। अमजद ज़ुबैर टवाना ने हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया।
आवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां, कीमत में 2.63 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने नैप्रा में दरख्वास्त दायर कर दी, इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नैप्रा दरख्वास्त पर आज समाप्त करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 5.50 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए तक कमी मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपए तक कमी होगी। मिट्टी का तेल 5.84 रुपए तक सस्ता हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की हतमी मंजूरी से कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। पैक एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाप्त से मुतालिक अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज बेस अफजल मजोका पैका केसेस के जज नामजद सेशन जज आजम खान ने बाकायदा नामजदगी का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक पैका से मुतालिक तमाम ट्रायल्स की समातें अब एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका करेंगी। एक जमात मुल्क के खिलाफ मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। इंतशारी टोले के सिवा तमाम जमातें एक पेज पर हैं। सियासत में मुफाहमत और बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। मुशीर कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक और हुकूमती तर्जुमान राना एहसान अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम कर रही है। मुल्क में महंगाई में नुमाया कमी हुई। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के पी बलूचिस्तान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। चचा बदीन समेत सिंध में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। पाकिस्तानियों को बरादराना मशवरा है, जिस मुल्क में रहें कवानीन की पासदारी करें। कराची में अमराती काउंसिल जनरल बकीत अतीक रोमेती का कहना है, यूएई में 200 ममालिक के लोग रहते हैं, हम इनको अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों से पाकिस्तानियों को वीज़े का इजरा किया जाता है। सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून किसी को माफ़ नहीं करेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के मसवदे का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्मोग, हाई टेम्परेचर और सैलाब से निमटने में भी मदद मिलेगी। काबिल तजदीद ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए सोलर पैनल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। बिजली की कीमतें पाकिस्तानियों के बस से बाहर। बिजली के बिलों में कौन कौन से स्लैब्स हैं, कौन कौन से टैक्सेस और चार्जेस शामिल किए जाते हैं, आईपीपीस के मौतों का बिजली के बिलों पर क्या असर पड़ता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पेरिस ओलंपिक्स में जापान की बढ़तरी बरकरार। 7 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर सरफहरिस्त। चीन का 6 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पोजीशन। जर्मन राइडर माइकल ने करियर का तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। कनाडा ने ओलंपिक्स में पहली बार जूडो में गोल्ड मेडल जीत लिया। नॉर्वे कप यूथ फुटबॉल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम की एक और कामयाबी। तीसरा और आखिरी ग्रुप में जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने नॉर्वे के ऑस्लो सिटी को 3-1 से शिकस्त दी।